नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सोनिया, और आज हमारे साथ जुड़े हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी, जिन्होंने 3 साल में 30 बड़ी भविष्यवाणियों को सही साबित किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे सिग्नेचर के आधार पर कि क्या नरेंद्र मोदी का जो साइन है ये क्या बताता है, क्या 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये है हमारे पीएम मोदी का साइन, आपको शायद समझ में ना आए लेकिन इन्हें जरूर समझ में आएगा। आइए इनसे जानते हैं। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि ये नरेंद्र मोदी जी का साइन है, ये अंग्रेजी में बनाया गया सिग्नेचर है नरेंद्र मोदी जी का, आप देख सकते हैं। और इस सिग्नेचर के बारे में बहुत कुछ सारी बातें हैं, और मुझे लगता है कि आप अगर एक एक करके पूछें कि क्या मुझे, मैं पहले बताऊं तो शायद दर्शकों को ज़्यादा समझ में आए, तो आप मुझसे पूछ सकती। मैं जानना चाहूँगी इनके जो साइन में ये जो राउंड सर्कल आ रहा है इसका क्या मतलब है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राउंड सर्कल जो आ रहा है, एक सर्कल आ रहा पूरा और बीच में एक अक्षर बना हुआ है, तो पहले इस सर्कल को समझ लेते हैं। ये चूंकि नरेंद्र मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 सितंबर है, 17 यानी कि 17, अगर हम जोड़ते हैं तो मूलांक बनता है 1 + 7, यानी 1 + 7 = 8, 8 मूलांक। अब 8 होता है शनि का, और हम जानते हैं कि शनि के चारों तरफ एक रिंग बनते हैं, तो यानी कि जो शनि से प्रभावित लोग हैं, शनि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनके जिनका जो जीवन में शनि का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, वो अपने सिग्नेचर में ज़रूर किसी ना किसी रूप में सर्किल बनाएंगे ही बनाएंगे, जो हम नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर में यहाँ पर देख रहे हैं। और ये दिखाता है कि वो शनि से बहुत ज़्यादा रूल हो रहे हैं, और शनि उनके भाग्य का कारक भी है, जो इस सिग्नेचर में यहाँ दिखता। तो ये सोनी जी जो है ये शनि का प्रभाव दिखाता है, और इन पर शनि महाराज की कृपा है, ये इसका सिंबल हुआ जी। और यहाँ पे मैं एक और देख रही हूँ कि यहाँ पे दो डॉट बन रहा है, जो दूर से दिखने में लग रहा है कि एक स्माइली फेस नजर आ रहा है। हाँ, तो अब हाँ, इस दो डॉट का बताइए। जी जी, हाँ, दर्शकों को दिखा दो, ये दो डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, देखिए, शनि के 3 सिंबल होते हैं, जिसमें एक सिंबल होता है हमारा सर्किल का हो जाना, दूसरा शनि का एक सिंबल होता है डॉट का बन जाना, और एक तीसरा भी इसी के चलते आपको बता दूँ, तीसरा होता है जो भी शनि से रूल हो रहा है व्यक्ति, वो अपने सिग्नेचर के हर अक्षर को उठा उठा करके, यानी पेन बार बार उठाएगा। तो ये 3 बड़े मेजर सिंबल होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, वो कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन मेजर सिंबल ये 3 होते हैं, जिसमें जो नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर में यहाँ पर एक सिंबल हमें यहाँ सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा, और दूसरा 2 डॉट के रूप में दिखाई दे रहा। चूँकि आपने पूछा सर क्या महत्व है, तो ये प्रतिबिंबित होता है शनि के रूप में। इसका जो पहला जो ये जो दोनों डॉट्स हैं आप देखें, बिल्कुल लास्ट में बने हुए हैं, ऐसा व्यक्ति समाज से जुड़ा रहना पसंद करता है। बिल्कुल आप राइट में, अगर यहाँ पे डॉट होता तो उसका मायने अलग होता, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में डॉट है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति समाज से जुड़ा रहेगा, देश के लिए काम करता रहेगा, उसके लिए समाज की सेवा, समाज से जुड़ा रहना प्राथमिकता के तौर पर होगी। और इसके अलावा ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय होता है, विश्वविख्यात होता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शिखर पर होता है, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर 2 डॉट का मतलब यहाँ पर ये है। लेकिन साथ में एक बात और भी मैं बता दूँ, डॉट्स का मतलब कहीं ना कहीं सेहत का खराब हो जाना भी है, तो जो ये, और साथ में कुछ काम को रुक रुक करके करवाना भी होता है, लेकिन चूंकि इन पर शनि महाराज की कृपा है तो इसलिए ये काम बनते चले जा रहे हैं। और अभी मैं भविष्यवाणी भी करूंगा कि क्या 2024 में क्या होने वाला है, लेकिन पहले जो सोनी जी के सवाल हैं उनके मैं जवाब दे दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये दूसरा सवाल जो आपने कहा वो है, ये शनि के रूप में है और साथ में पॉपुलैरिटी का सिंबल है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये एरो जैसा आ रहा है, यहाँ पे जो सीधी लाइन जाके यहाँ पे आके थोड़ी सी मुड़ जा रही है, इसका क्या मतलब जी है? जी, देखिए, इन्होंने पूछा कि यहाँ से जो लाइन जा रही है यहाँ पीछे आगे डाउनवर्ड चली गई और कुछ स्माइली के रूप में आगे। देखिए, आप देखेंगे तो वास्तव में ये स्माइली के रूप में बन रहा है। स्माइली का मतलब होता है, अगर कोई भी बनाता है तो उसके मन में ऐसा नहीं कि वो समाज को हमेशा इस रूप में दिखाएगा कि वो बहुत बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है, लेकिन साथ में उसके मन में समाज के लिए पीड़ा भी बहुत है, समाज के लिए चिंता भी बहुत है, ये इस बात का सिंबल है। और साथ में ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में उनके एक निश्चित उम्र पे, अभी मैं बताऊंगा उस पर, तो उम्र कब आएगी, तो ये स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी को दिखाता है, ये उसका सिंबल है। और अब मुझे लगता है आप ये पूछने वाली होंगी। जी हाँ, कि एंड जैसा कुछ दिख रहा है, ये इसका क्या बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अलग से हाईलाइट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अलग से हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। देखिए, जो एन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक सिंपल एक अक्षर लिखा गया है, और हम जानते हैं कि जो
ऐसा व्यक्ति, अब आप देखो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अकेले हैं, इन्होंने शादी की लेकिन पत्नी के साथ नहीं रहते, परिवार से बिल्कुल अलग रहते हैं, इन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। तो ये आइसोलेशन को दिखाता है, एकाकीपन को दिखाता है, लेकिन इसके साथ समाज के साथ यानी कि परिवार ऐसा व्यक्ति छोड़ देता है। और वही हुआ भी, नरेंद्र मोदी का सिंगल लेटर का साइन ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति परिवार से मोह मोहब्बत नहीं करता, अकेले जीवन के शिखर तक पहुंचता है, जीवन के जो भी आदर्श होते हैं उनको छूता है, ये उसका सिंबल है। और अब ये एक पता और बताते, अगर यहाँ पर दूसरा लेटर कोई आ जाता, मोदी का एम आ जाता, तो इसका मतलब कि उनके साथ परिवार का जुड़ाव हो जाता। और मुझे लगता है अब आपका सवाल ये होगा कि अब भविष्य के बारे में बताइए कि 2024 में कौन पीएम बनने वाला है। तो मैं समझ रहा हूँ सोनी जी का जो सवाल है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का जो सिग्नेचर है वो कहीं पर भी कट नहीं रहा, बिल्कुल एक तारतम्य बनाए हुए है। तो ये इस बात का सिंबल है कि ये आगे भी इलेक्शन जो 2024 का होने वाला है वो जीतेंगे। और उसके पीछे मैं आपको बता दूं, तब इनकी उम्र होगी 73 साल 6 महीने, यानी कि अभी इनके 74 रनिंग है, तो 74 इनके लिए बहुत अच्छा है, और 74 के आगे भी इनका भविष्य बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि चूँकि पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री बने और उसके पहले गुजरात में कई बार सीएम रहे, और आप देखिए कहीं पर भी लाइन में कटाव नहीं है, जो इस बात का सिंबल है कि ये फिर से 2024 के इलेक्शन जीतने वाले हैं और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर जो अभी इस वक्त जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोग हैं उन सभी से बड़ा यूनिक सिग्नेचर है नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर। तो ये थे पीएम मोदी के साइन जो बताता है कि उनका भविष्य कैसा होगा और इस आधार पर वो अगले साल भी चुनाव जीत सकते हैं। और ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जी मीडिया का डिजिटल पैनल।